देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज अपना एक नया टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो बीजी 17 के अंदर नया टॉपिक आया है। इसके अंदर आप आइटम वाइज भी टैक्स लगा सकते हो और आप वाउचर वाइज भी टैक्स लगा सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके एक एंट्री करके दिखाता हूँ और फिर आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं पहले एक 17 पे कंपनी बनाता हूँ और एक 16 पे कंपनी बनाता हूँ। पहले जो हमारी कंपनी बन रही है वो कौन सी बन रही है? 17 बन रही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बीजी 17 और इसको मैंने F2 से क्रिएट करने के पहले मैंने यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करके इसको सेव करा। जब तक यहाँ कंपनी बन रही है और एक कंपनी मैंने कहाँ बना ली? बीजी 16 और उसको क्या बोल दिया? बीजी 16 और इसमें भी मैंने वही सेम प्रोसेस को फॉलो करा है एंड देन मैंने इसको आगे सेव कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, क्लियर है। अब दोनों कंपनियां बन रही हैं, दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यह है जो बीजी एक नया 17 वर्जन आया है, इसके अंदर आप मल्टी टैक्स को दो तरीके से लगा सकते हो, एक आइटम वाइज भी लगा सकते हो और एक वाउचर वाइज भी लगा सकते हो। एक नया फीचर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा है बीजी वालों ने कि आप टैक्स को वाउचर वाइज भी एप्लीकेबल कर सकते हैं और आइटम वाइज भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे क्लाइंटों के क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकता है। जो मुझसे पहले मांगते थे मैं बोलता था ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको 2 मिनट में। अभी आप 2 मिनट वेट कीजिए, अभी वीडियो बन दिखा रहा हूँ, काम हो जाए नीचे, हमारी कंपनी बन जाए पहले। देखिए हमारी कंपनी बन चुकी है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ठीक है, अभी हमारी कंपनी बन गई बीजी 17 की। पहले मैं आपको एक बार मल्टी टैक्स इसके अंदर करके दिखाऊंगा, एक बार बीजी 16 में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्या डालूंगा? BBB। ठीक है, एंड देन मैं कहाँ गया? नॉर्मल, इसको स्कैप करा और डायरेक्ट मैं पहुंचा ट्रांजेक्शन पे। स्कैप एंड ट्रांजेक्शन पे कहाँ पे आ गया मैं? परचेज पे। अब मैंने बोला कि मैंने एक परचेज करी है, जिसको कब करी है? 2 तारीख पर, जिस पर वाउचर नंबर कितना मैंने डाल दिया? T-100-231 और इसमें क्या लगा दिया? मल्टी टैक्स। देखो इसमें क्या आ गया? मल्टी टैक्स रेट आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? मल्टी टैक्स रेट। जबकि मैं आपको बीजी अगर 17 दिखाऊं तो आप इसमें देखेंगे, हाँ 16 में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या आता है? मल्टी टैक्स। क्या आता है आपको? मल्टी टैक्स आता है। दोनों में सबसे पहला अंतर ये आया है जो आपके सामने डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये क्या आ गया? मल्टी टैक्स। उसमें क्या आ रहा है? मल्टी रेट आ रहा है। मैंने बोला मल्टी रेट, ठीक है, इसमें मैंने बोला एक परचेज करी और इसमें नाम डाल दिया मैंने मोहित। ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया? सन्ड्री क्रेडिट। और फिर मैंने इसका जो भी एड्रेस था वो सारा एड्रेस फिलअप करा। ठीक है, और इसको क्या डाल दूंगा? इसका 3 नंबर और इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है यू आर रिसीविंग आर टैक्स इनवॉइस, मतलब किसमें काम कर रहे हो आप? रिटेल इनवॉइस, और आप इसका 3 नंबर डाल दे। तो मुझे यहाँ क्या कर दूंगा? मल्टी टैक्स T फॉर मतलब टैक्स इनवॉइस, R फॉर रिटेल इनवॉइस। तो क्या लेंगे इसके अंदर हम? टैक्स इनवॉइस। और मैंने बोला सब जो मैंने बीजी का एक नया वर्जन खरीदा है, कौन सा खरीदा है? बीजी का एक लेटेस्ट खरीदा है बीजी 17 वर्जन 17। ठीक है, और GST। ठीक है, मैंने बोला कि इस पर कितने परसेंट टैक्स लग रहा है? तो मैंने बोला ये है 14-12-200 का सेलिंग प्राइस है, 11 मेरा ये प्राइसिंग है, MRP मेरी 15,000 पे, और इसमें कमो मैंने एक 5 बनाया कम्युनिटी कोड और मैंने इस पर कम्युनिटी कोड डाल दिया।
कम्युनिटी कोड डाल दिया 8510000, ठीक है। कितने परसेंट टैक्स लगा? 5%। उस पर क्या डाल दूंगा मैं? कम्युनिटी कोड भी डाल दिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसमें डाल दिया बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डुप्लीकेट नहीं मॉडिफाई करा है, और 5% लाना चाहिए तो वो तो फिर आपको अब दोबारा और प्लस एम करके डुप्लीकेट बनाना, इसको बाद में एडिट करना होगा। हाँ ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अब 17 वर्जन में देखो नीचे कम्युनिटी कोड ऑलरेडी आ रहा है, और इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। और मैंने कितने लगाए इस पर? 100 पे। तो देखिए इसमें अब आपका मल्टीटैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। हुआ कैलकुलेट मल्टीटैक्स? एक मैंने खरीदी कौन सा? बीजी सर्वर 74.5 क्या हो जाएगा वर्जन। इस पर कितने परसेंट टैक्स लग रहा है? इस पर हमारा लग रहा है 12.5%। और इसको और प्लस एम करा, और इसके आगे हम कम्युनिटी कोड डाल देंगे 850130000, और इसको बंद करेंगे। और इस पर कितने परसेंट लगा दिया? 5%। और इस पर यही हम कम्युनिटी कोड डाल देंगे, और इस बिल को हम सेव करेंगे, सेव हो गया हमारा, ठीक है। और इस पर हम इंटर मारेंगे, कम्युनिटी कोड भी हमारे नीचे शो हो गया, इस पर सेव करा। तो देखिए क्या मेरा इस पर टैक्स लगा? इस पर भी नहीं लगाना। अब मैं अप टू करके नीचे आऊँगा, वैट डालूंगा, 5% लगूंगा। देखिए मेरा कितने पर टैक्स कैलकुलेट हो गया? 5%। 1,150,000 का टैक्स कितना बना? 5%। ऐसी वैट लिखूँ 12.5%, तो उस पर कितने परसेंट टैक्स लग जाएगा आपका? 1,25,000। क्लियर हो गया? आगे समझ में? जो अपने आप उठा लिया, अपने आप दूसरे वाला तरीका और होता है जो आपने उसमें आ गया। अब इसको सेव कर दे। लेकिन अगर यही काम अगर हम बीजी 16 पे कर दे, क्या कर दे? अगर यही काम हम अपन बीजी 16 पे कर दे तो क्या होता? मल्टीटैक्स लगाया, क्या पार्टी थी हमारी? इसमें भी हम वही पार्टी बना लेते, मोहित एंटर, उसमें टी वाला लगा है, उसमें टी वाला लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टी वाला लगाऊं है, बता, कोई दिक्कत नहीं, आवाज लगा दो, टी नंबर नहीं है हमारे पास। और इसमें मैंने एक आइटम बनाई बीजी, ठीक है, और बीजी इसमें लिख दिया बीजी 16 वर्जन, ठीक है, वैट। कितना रेट डाल दिया? इसका रेट डाला 14,000 रुपये सेलिंग प्राइस, 13,000 रुपये परचेजिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस MRP इतना। और आगे हमने यहाँ पर जाके क्या बना लिया है? 5% ऑल प्लस एम करा। और इसी आइटम में हमने क्या डाल दिया? जो हमारा कम्युनिटी कोड था वो कोड डाल दिया, इसको बंद करा, और यहाँ भी हमने वही कोड को फिलअप कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 5% और F2 करके सेव कर दिया। कितनी? 100 रुपये। अब देखो यहाँ पर ये उठा लेगा, क्या मतलब? क्या जी कोड तो यहाँ यहाँ दिखाता है ना, वो तो बिल्कुल जस्ट आ गया, थोड़ा थोड़ा फर्क तो आता ही है ना आगे। लेकिन मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर कैलकुलेट कर, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? बीजी सर्वर, ठीक है, कितना 20, कितना 10,000, 5,000 और 20,000 कम्युनिकेट, कितना 12.5% ऑल प्लस एम, एंड साथ में क्या डाला? कम्युनिटी ऑल प्लस एम, ठीक है। और इसको सेव, कितने परसेंट चार्ज हो रहा है इस पर हमारा टैक्स? 12.5%। तो यहाँ पर आपका टैक्स यहाँ पर लग जाए, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे लग रहा है आपका? ये वाउचर वाइज लग रहा है। अब इसके अंदर वाउचर वाइज क्यों लग रहा है? हाँ, अब ये कह रहा है कि सर यहाँ पर अगर अलग अलग जगह 5% वाला, तो ये 5% को टोटल कैलकुलेट करके लेगा। इंसर्ट बटन। अब देखो इन दोनों में टोटल कितना हो गया राजू? 11,00,000 और 17,00,000, 28,75,000। उसका टैक्स कितना बन गया? 1,12,000। हाँ, ये आपकी कोई भी लगा सकते हो आप, यहाँ पर जरूरी नहीं आपको यही लगाना है वैट। 12 तो 12.5 आ गया। देखो नीचे नंबर पर दिखाएगा आपको, लेकिन आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो। हाँ ठीक है, आ गया। इसमें ये तो आपके वाउचर वाली मिलता है,
अब इसके अंदर एक तरीका और होता है आइटम वाइज, क्या होता है, अब इसको अगर आप ओल्ड प्लस एम करके देखोगे तो इसमें एक टैक्सेबल वाउचर वाइज, ठीक है, और एक है हमारा आइटम वाइज। जो बिजी 16 में होता है वो किसके अंदर होता है हमारा, वो आइटम वाइज होता है। कौन सा होता है वो, आइटम वाइज होता है। अगर मैं इसी में बिजी 17 में क्या कर दूं, आइटम वाइज कर दूंगा तो किस पे कैलकुलेट करेगा वो, आइटम वाइज कैलकुलेट करेगा, ठीक है, दोनों में दिख गया। अब मैं इसको F12 करके डुप्लीकेट बनाता हूँ, उसको आगे क्या लिख देता हूँ, डॉट डाल दो, ये क्या हो गया मेरा, आइटम वाइज हो गया। कौन सा हो गया मेरा, ये आइटम वाइज, और इसको किसके अंदर ट्रांसफर करना है, दैट के पास, उसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, क्लियर। अगर राजू मैं इस पर डॉट लूंगा तो देख हमारा टैक्स अब आइटम वाइज कैलकुलेट होने लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो टैक्स के पर्पज है, लेकिन सर आपने अभी कुछ देर पहले बोलता है कस्टमर के लिए बहुत होता हो सकता है, बहुत से कस्टमर कहते हैं कि हम आइटम के हिसाब से टैक्स देते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम पार्टी को आइटम वाइज टैक्स देते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नया बनाएंगे इसको वैट टैक्स कैटेगरी वाले को, ठीक है, कौन सा था हमारा, मल्टी टैक्स, ठीक है, रेट वाला, टी वाला, इसी को हम ओल्ड प्लस करेंगे और अप्रूवल करके डुप्लीकेट बना लेंगे, क्या कर देंगे इसको, डुप्लीकेट, और क्या कर देंगे इसको, डिस्काउंट, क्या कर देंगे हम लोग इसको, डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया, और इसको क्या कर देंगे, वाउचर वाइज, ठीक है, वाउचर वाइज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, हो गया सेव, क्लियर। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया है तो इसलिए प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, ठीक है, आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर लगाया मैंने डिस्काउंट, तो क्या 5% लगाया उसने, उस 5% पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो इस टैक्स कैटेगरी के हिसाब से जो इसके अंदर डाला है, उसने कहा कि मुझे आइटम के बाद आइटम वाइज डिस्काउंट देता हूँ, जैसे बीजी 17 इस पर तो 5% डिस्काउंट दूंगा, बीजी सर्वर है तो उस पर 12.5% डिस्काउंट दूंगा, मतलब क्वेश्चन में डिफरेंस कर दिया, आप कच्चे का काम हो रहा है पक्के भूल जाओ, अब किसमें कन्वर्ट हो गए अपन, कच्चे के काम में आ गए, मतलब इस टॉपिक का यूज करेंगे आप, इसका अल्टरनेटिव यूज करेंगे तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, वो तो भी हो सकता है, लेकिन बट ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दूसरे कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, या फिर आप वैट लगा लो और वैट का इनाम बदल के क्या कर दो आप, डिस्काउंट, क्योंकि आपको कच्चे में तो करना है और डिस्काउंट कर दो और बस, ऑलरेडी बना हुआ है ना, और जब पैसा ट्रांसफर होगा वो किस में ट्रांसफर होगा, वैट के अंदर जगह क्या कर दो, डिस्काउंट, और एफ टी से बनाओ क्या लिख दो, डिस्काउंट, ठीक है, और ग्रुप में एक्सपेंस डाल दो, डिस्काउंट परचेज के अंदर, ठीक है, F9 करो, क्या लिख दो, डिस्काउंट, कौन सा, डॉट वाला, 5% लगाया तो 5% के हिसाब से, और 12.5% लगाया तो 12.5% के हिसाब से, ठीक है, थिंकिंग आपकी है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इस नए टॉपिक से रिगार्डिंग हुआ था, ठीक है, तो आज आपने देखा कि मैंने आपको बीजी के अंदर क्या बताया कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं।